बिजनौर की ब्रेकिंग न्यूज। जेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर पहुंचे बिजनौर, कैदियों को बांटे गर्म कपड़े। हर जेल में 100 से लेकर 150 तक ऐसे कैदी हैं जिनके परिवार वाले उनसे मिलने नहीं आते, उन लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे गए। जेल मंत्री, पिछली सर्दी में हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में लगभग 37,500 गर्म कपड़े और कंबल बंटवाए थे। हमने जेल मंत्री, जेल की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा, जो कैदी जेल में जख्मी हुआ था वो अब ठीक है, इस मामले की समीक्षा की जाएगी। जेल सुंदर पाठ भी कराया जा रहा है। हर शनिवार और मंगलवार को कैदी हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ करते हैं। आप देख रहे हैं धनगढ़ शक्ति न्यूज पर, यह मुख्य समाचार। एक लड़का जो डांस कर रहा था, आपको भी चाहिए? आ रहे हैं भाई, उधर भी आ रहे हैं, चिंता ना करो, जितनी चाहिए उतनी चाहिए। हमने 50,000 हनुमान चालीसा प्रसाद साहब सबको मिल जाए, और कुछ को चाहिए? बैठे रहिए थोड़े, कथा। और जब मेरे चले गए, मेरे पास जो धन संपत्ति छोड़ी थी वो सब तारीख के चक्कर में और दलालत के चक्कर में बर्बाद हो गई सब। कैसे भी मेरे पति बाहर आए, मेरे पास घर का घर था। बुलाओ भाई इनको। देखिए, हम जब से हमने परिवार संभाला है, प्रतिवर्ष सर्दियों में हर जेल में 100, 150, 200 ऐसे कैदी हैं जिनसे उनके परिवार के लोग मिलने नहीं आते। सर्दियों में कपड़े की कमी रहती है और जेल के जो नियम के अनुसार जो कंबल होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, गर्म कपड़े उनके पास नहीं रहते क्योंकि परिवार वाले मिलने नहीं आते। तो उनको गर्म कपड़ा और कंबल देना, एक अभियान चलाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। पिछले सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े कंबल बंटवाए थे हमने। आज भी यहाँ भी हमारे 38 बंदी ऐसे थे, हमारी कुछ महिलाएं भी, 7 महिलाएं थीं ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता, उनके लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम। और हर जेल में हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बांट रहे हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो पाठ करते हैं, क्योंकि हर जेल में शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होता ही है, सभी कैदी मिलकर के सामूहिक रूप से करते हैं। उनके सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पुस्तकों का वितरण भी किया है और कैदियों के साथ संवाद भी किया है। हर जेल में हम कैदियों के साथ संवाद करते हैं, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके जेल में आने के बाद परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। जब वो परिवार से कनेक्ट होते हैं उस समय भावुक होते हैं। आज यहाँ भी कई बंदी रोए हैं, और जब भावुक होते हैं और जब परिवार से कनेक्ट होते हैं तो उस समय पे हम उनसे संकल्प भी कराते हैं कि जब न्यायालय के माध्यम से जब आप बाहर जाएंगे तो दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे वो आप यहाँ जेल में आए और परिवार संकट में रहें। तो जितने कैदी संवाद में होते हैं उस समय वो सभी संकल्प करते हैं। हम मानते हैं कि सभी कैदी अगर ना व्यवहार में अपने परिवर्तन किया तो 10%, 20%, 30% कुछ भी परसेंट अगर कैदी अपना परिवार को ध्यान में रख करके अपना व्यवहार बढ़ते हैं, आदत आचार बदलते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, तो
तो ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है और मैं समझता हूँ कि अच्छा एक काम हो रहा है। उसकी हम सब लोग जैसा नियम के अनुसार व्यवस्था है वो सब हम उस पर विचार करते हैं और आगे हम बड़ा कदम बढ़ाते भी हैं। देखिए कैदी के बारे में सुना है तो वो HIV पॉजिटिव जानकारी जो मिली है, हमने भी जानकारी ली है, जब हमारे जेल प्रशासन उससे बात की तो वो बता रहा था कि मैं उसे जब मुझे पता लगा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तब उसने ये कदम उठाया, लेकिन वो बता रहा था कि मैं कुछ क्षण ऐसा दिमाग में मेरे में आ गया था और मैंने अपनी गलती से उसका इलाज हो गया है, वो ठीक हो गया है। जेल में पहुँचे इसकी हम समीक्षा कराएंगे, इसकी भी जानकारी कराएंगे।